तो दोस्तों बात करें कि बिहार एसएससी के द्वारा सितंबर के ही डेट में जो एक नोटिस जारी को जारी किया गया था, ठीक है, जो कि कार्यालय परिचारी के लिए एग्जाम डेट को लेकर और एडमिट कार्ड को डाउनलोड को लेकर, ठीक है। यहाँ पर देखें तो नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। ये जो आपको एग्जाम होने वाला है 15/9/2024 को एवं 19/9/2024 को होने वाला है, ठीक है, एक पाली में होने वाला है, बापू परीक्षा परिसर कुम्हार पटना में। अब यहाँ पर देखिए उन कैंडिडेट का एग्जाम होने वाला है स्वीकृत किए गए आवेदनों के लिए, ठीक है, मानो जो जो कैंडिडेट का स्वीकृत यानी फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है उनको यहाँ पर यानी परीक्षा में बैठने का यहाँ पर मौका आपको दिया गया है, और उनका यहाँ पर एडमिट कार्ड भी यहाँ पर रिलीज कर देगा। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, उस चैनल को चेकआउट करके अपना आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सभी और अपना अपना जिला का किस तरह से आप अपना लिस्ट में नाम चेकआउट करेंगे कि आपका फॉर्म है एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, किस तरह से चेक करेंगे, तो ये भी वीडियो आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। यहाँ पर देंगे तो मैं एक जिले का लिस्ट हम डाउनलोड कर चुके हैं, फॉर्म आपका रिजेक्ट किया गया है तो किस कारण से रिजेक्ट किया गया है यहाँ पर देंगे तो रीजन भी है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर देंगे तो रीजन भी यहाँ पे बताया गया है कि किस किस कारण से यहाँ पे जो है ना आपका फॉर्म है रिजेक्ट यहाँ पे किया गया है, यहाँ पर रीजन में आपको बता दिया है। जैसे कि एक कैंडिडेट के हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देंगे तो एक कैंडिडेट के यहाँ पर दिया गया है कि तो इनको भी रिजेक्ट किया गया है तो किस कारण से यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, जैसा लिखा है कि जन्म तिथि में अंतर, वर्ष 2016 में मैट्रिक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन आवेदन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के प्रवेश पत्र पर आवेदन किया गया है, ठीक है, परंतु ऑनलाइन आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रमाण पत्र से किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जन्म तिथि में अंतर है, इनके लिए यहाँ पर फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, तो इन कारण से इनका जो फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखें तो जिनको जिनके यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है तो उनका रीजन भी आपको दे दिया गया है, ठीक है, कि किस रीजन से आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या फॉर्म में सुधार करने के लिए फिर से मौका मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो फाइनली जो है आपका एक्सेप्ट रिजेक्ट का लिस्ट आपको निकाल दिया गया है और एग्जाम डेट भी आपको निकाल दिया गया है और एडमिट कार्ड भी आपको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें सुधार करने का मौका ऐसा कोई ऑफिशियली सूचना आपको वगैरह नहीं आया है, ठीक है, जिन लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया तो सुधार का मौका आपको मिलेगा कि नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियली सूचना वगैरह आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि फाइनली जो है यहाँ पर फॉर्म जो है एक्सेप्ट रिजेक्ट का आपको लिस्ट आपको जारी कर देगा है और यहाँ पे एडमिट कार्ड उनको भी रिलीज कर देगा एग्जाम से लेकर, तो आप लोग का, ठीक है। तो जिनको जिनको फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है अगर वो लोग सोच रहे हैं कि क्या मौका मिलेगा कि नहीं फॉर्म को सुधार के लिए, तो जैसे ही इसका कोई सूचना वगैरह आता है, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। जब तक मेरे चैनल बंद रहे हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।